टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हाथ में तख्ती थामे हुए चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा तक जाने की मांग पर अड़ गए। मनोज पांडे, मन्नू अंसारी समेत समाजवादी पार्टी के सभी विधायक धरने में शामिल हुए। पुलिस, सुरक्षा बल, विधानसभा के सुरक्षाकर्मी, मार्शल, पीएसी की भारी संख्या में तैनाती रही। शिवपाल यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन है। सपा विधायकों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई, मीडिया कर्मियों को भी वहां से दूर किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा की तरफ से केवल मीडिया इवेंट बनाया जा रहा है। सपा अराजकता वाली पार्टी है, जो भी सवाल है, मुद्दे हैं, उसके लिए सदन के अंदर आकर चर्चा करें। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि सपा चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा समय तक सदन चले, लेकिन इन सब से पहले सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। साथ ही विपक्ष की अहम भूमिका निभा रहे अखिलेश का भी पक्ष सुनेंगे। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हुआ और जबरदस्त हंगामे के साथ शुरू हुआ, लेकिन बजट से पहले सपा विधानमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में जो तस्वीर निकल कर सामने आई उसमें राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज कर दी है। सपा के दफ्तर में करीब 5 साल बाद शिवपाल यादव पहुंचे और उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शामिल होने के बाद शिवपाल यादव अब अखिलेश के सुर से सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। विधानसभा में शिवपाल ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, कानपुर देहात कांड को लेकर घेरने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी को इनके कुकृत्यों के लिए कभी माफ नहीं करेगी। हमारी सरकार सभी घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ काम करती है। एसआईटी की जांच चल रही है, हम कड़ी सजा देंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे प्रशासनिक पदों पर बैठे हो या कोई सामान्य व्यक्ति, किसी को भी कानून तोड़ने की बात नहीं है। पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है, उनको हर संभव मदद हम कर रहे हैं। अब क्या लगता है विपक्ष क्यों जल्दबाजी में करते हैं? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल अखबार में आने के लिए जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में विमर्श को बदल दिया। पहले उत्तर प्रदेश की चर्चा अपराध के लिए होती थी, गुंडे के लिए होती थी, अराजकता के लिए होती थी, दंगों के लिए होती थी। आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश है। जो सदन के अंदर आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान हंगामा था, उसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। वो हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल ही नहीं, वो एक महिला भी है। तो समाजवादी पार्टी का महिला विरोधी चरित्र भी उजागर हुआ है और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, हंगामा ही उनका मुद्दा है। हंगामा करना, बवाल करना और कोई बिना मुद्दे के सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम करना, ये समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की।
गौरव श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, जिस तरह से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक दूसरे के सुर मिलाते नजर आ रहे हैं, क्या माना जाए इसे? फिलहाल सपा के लिए एक सकारात्मक पहल है, क्योंकि इस तरह से हम देख रहे थे अखिलेश यादव लगातार विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे थे, और जब से उनके चाचा यानी शिवपाल सिंह यादव पहले बसपा के राष्ट्रीय प्रमुख थे, जब से बसपा का विलय हुआ है, उसके बाद से अखिलेश यादव और उनके चाचा करीब आए, एक साथ विधानसभा बैठ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सपा के लिए एक सकारात्मक पहल है। तो वही ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा चिंता करने वाली बात है, क्योंकि जो धरे अलग अलग थे और लगातार बीजेपी उस मुद्दे को लेकर मतभेद को लेकर अखिलेश यादव पर हमेशा निशाना साधती रही है कि चाचा को सम्मान नहीं दे पाए, चाचा को सम्मान नहीं दे पाए, उस पर लगातार पार्टी को घेरा जाता था। अब वो फिलहाल वो घेराबंदी यहाँ पर सपा के लिए खत्म हो चुकी है, और शिवपाल सिंह यादव जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, उसके बाद से लगातार शिवपाल सिंह यादव अग्रणी बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं, और जिस तरह कल उन्होंने बैठक भी ली, कल छह साल बाद वो सपा कार्यालय गए थे और लंबे अंतराल के बाद पहुंच चुके, उन्होंने विधायक दल की बैठक भी संबोधित किया। इसके अलावा लगातार रणनीति बना रहे हैं, अनुभवी है समाजवादी पार्टी के आधार में ये सपा के लिए बेहतर रणनीति का हिस्सा है, और कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव को यह मौका भी दिया जा रहा है कि बेहतर तरीके रणनीति बनाए और विपक्ष की भूमिका को सरकार के खिलाफ एक ऐसी एकजुट करे, इससे आने वाले समय में सरकार को पूरी तरह से घिरा सके। विधानसभा सत्र लंबा सत्र है, बड़े सत्र है, और सत्र के माध्यम से फिलहाल विपक्षी अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते नजर आएंगे। गौरव, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को शिवपाल यादव का साथ मिला है, तो पार्टी को इससे कितनी मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मजबूती मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे थे कि अगर परिणामों की बात करें, 16 चुनाव समाजवादी पार्टी हारी, 17 चुनाव हारी, 19 हारी है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 22 हारी है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी में जब से शिवपाल सिंह यादव अलग हुए हैं, तब से जो एक भूमिका होती थी, जो उसके पुराने लोग थे या जो महत्वपूर्ण के अंग थे, उनसे अलग हो गए थे, कुछ लोग अखिलेश को पसंद नहीं करते थे, कुछ लोग शिवपाल को पसंद नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि ये मतभेद हुआ है, मतभेद समाजवादी पार्टी कमजोर होते नजर आ रही थी, जो धरे समाजवादी पार्टी में हो गए थे, जो शिवपाल सिंह यादव को पसंद करते थे वो सपा में चले गए थे, जो अखिलेश यादव को मानते थे वो सपा में बने गए, कहीं ना कहीं जो धरे थे वो अलग 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 धरे थे वो एक हो गए, और जब जब जो धरे एक हो जाता है तो कहीं ताकत बढ़ जाती है, और ताकत का मुजाहरा हम लगातार देखा है, मैनपुरी के परिणाम आए उसमें ताकत का मुजाहरा देखा, इसका अगर हम बात करें खतौली का चुनाव का परिणाम आया था, वहां पर समाजवादी पार्टी के तो कहीं ना कहीं जो एक एकजुटता हुई है, ये आने वाले समय में बीजेपी के नुकसानदेह हो रही है और चुनौती बनने वाली है, और कहीं ना कहीं सपा के लिए बेहतर पहल है, क्योंकि यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को नेतृत्व कराना, उनसे अनुभव लेना, कहीं ना कहीं आने वाले समय में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए एक बेहतर कोशिश नजर आएगी। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारी। उत्तर प्रदेश में आज से यानी 20 फरवरी 2023 से 1 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्र प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। ये प्रदर्शन लखनऊ के रामाबाई मैदान में हो रहा है। पिछले कई साल से शिक्षा मित्र नियमितीकरण मानदेय बढ़ाने की मांगों को लेकर शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे हैं। अब उनका प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन हो रहा है। रामाबाई अम्बेडकर पार्क में हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र जुट रहे हैं। यहाँ वे अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आए हुए हैं। प्रदेश के दूर दराज जिलों से हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र बस, ट्रेन और अपने निजी वाहन से रविवार को ही लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक नेताओं के अनुसार महासम्मेलन में 1.25 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों के शामिल होने की संभावना है। अधिवेशन में शिक्षा मित्रों के हुजूम को देखते हुए पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सरकार और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी दिया जाएगा। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी संगठनों के 2000 पदाधिकारी वॉलंटियर बनाए गए हैं, जो जिलेवार शिक्षा मित्रों को व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू हुआ है। ये कार्यक्रम शिक्षा मित्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान निकलवाने में सरकार और शिक्षा मित्रों को फिर से जोड़ने का काम करेगा। लखनऊ में करीब 2500 शिक्षा मित्र है। कई जिलों में यूपी बोर्ड परीक्षा में शिक्षा मित्रों की कक्ष निरीक्षक के तौर पर ड्यूटी लगाई गई है। शिक्षा मित्र 20 और 21 फरवरी को यूपी बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी नहीं करेंगे, इससे बोर्ड परीक्षा पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि लखनऊ में शिक्षा मित्रों की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में नहीं लगाई गई है।
इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, लखनऊ में बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन हो रहा है, अभी क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं? महासम्मेलन है, आप तौर से अगर देखें तो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर संवाद और अपनी जो समस्या है निरीक्षण उसमें कहीं ना कहीं आवाज देने के लिए ये सम्मेलन किया गया है। और अगर देखें तो लगभग हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र आज इस रामनगर मैदान में एकत्रित हुए हैं। अखिल भारतीय कार्यक्रम मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर सम्मिलित हुए हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद सम्मिलित हुए हैं। साथ ही आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य भी यहाँ सम्मिलित हुए हैं और ये तमाम जो शिक्षा मित्र के संगठन के तमाम पदाधिकारी हैं वो ज्ञापन के तौर पर ज्ञापन उन्हें दिया है और ज्ञापन के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने मामले पर सदन के पटल पर पाठ रखने की बात कर रहे हैं। हमारे पास शिक्षा मित्र संघ के उपाध्यक्ष मौजूद है। आज अगर बात की जाए तो सरकार के तमाम बातें केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री मौजूद थे, विधान परिषद के सदस्य मौजूद थे। आप लोगों ने ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन में क्या है और उसके मामलों को लेकर महासम्मेलन का उद्देश्य क्या है? भविष्य में हमारे हित की बात करी जाती है, हम अपने हित की बात करते हैं। क्योंकि पूर्व में जब हमारा समायोजन निरस्त हुआ था तो हमने सरकार से संवाद स्थापित करने के बजाय हमने सड़कों पर लड़ने का काम किया था, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार का ये कहना होता था बार बार कि आप हमसे संवाद करो, हम आपके हित की बात करेंगे। तो ये आज उसकी सूत्रपात हमने किया। बात की जाए तो आज संवाद की दिन था, तमाम आप सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार के मंत्रियों को आज बातचीत हुई है। अगर इस बातचीत से बात नहीं बनती है तो आप संगठन के पदाधिकारी हैं, क्या रूपरेखा आगे की होगी? निश्चित रूप से मेरा मानना है कि सरकार हल निकालेगी। अगर सरकार को हल नहीं निकालना होता तो केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि हमारे बीच नहीं आते, आए तो हमारा हल निकलेगा। बाकी की स्थिति में आप जानते ही हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में दरवाजे खुले होते हैं, बट हल निकलेगा, इसलिए दूसरे विकल्प पर अभी मुझे सोचना है। जी, तो साफ तौर से संगठन के पदाधिकारी से जिनका साफ तौर से कहना है कि हम अपने मामले पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हर नियमितीकरण के तहत हमें नियुक्ति की जाए। जी, मित्र लगातार अब मांगे कर रहे हैं, क्या वजह रही कि अभी तक इनकी मांगों को नहीं सुना गया? जी बिल्कुल, हम यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। अगर बात की जाए तो आज उत्तर प्रदेश की सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री यहाँ मौजूद हैं। क्या आप चाहेंगे कि सदन के पटल पे आपकी समस्याओं को रखें? बिल्कुल बिल्कुल, मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया और बहुत ही एग्जाम्पल दे के, बहुत उदाहरण दे के उन्होंने हम लोगों को समझाया कि ऐसे करने से हमारी विजय होगी और हमको एकजुट होकर सरकार का साथ देना चाहिए और सरकार हमारे साथ है, हमारा समस्या का समाधान सरकार ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। वे जरूर करेगी, हमें ये बहुत उम्मीद है, पूरी पूरी उम्मीद के साथ हम यहाँ से जा रहे हैं। एक लंबे अरसे तक आप लोग अलग अलग तरीके से अपनी मांगों को मांगे, आज आप सब एकत्रित होकर सरकार के मंत्रियों से आज संवाद स्थापित किए हैं। अगर बात की जाए तो आपने कई कठिनाइयां भी देखी, 3 साल के लिए आप लोग को आमतौर पर सैलरी में काफी इजाफा भी था, अब क्या अपेक्षा है? अपेक्षा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि आज जो
ये महाकुंभ कहिए हमारे मथन का बहुत ही पॉजिटिव रहा है। जैसा कि विजय जी ने आपको बताया है कि हमारी अपील रही है, कोई बाकी अपेक्षा नहीं है। बाकी मोदी जी योगी जी सब जानते हैं कहाँ पे किसको क्या जरूरत है, बस हमें उनका भरपूर जो है लाभ उठाना है। और दूसरी चीज ये है कि रिक्वेस्ट यही है जो भी मैंने आपको बताया कि सम्मान जो भी लोग यहाँ पे आए उन्होंने पूरा भरोसा दिया हम लोगों को, वो हमारे साथ में वो क्या मतलब वो प्रतिनिधि बन के आए थे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से, तो दोनों हमारे साथ में है। हमारा हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि लगभग 3 से 4 सालों के बाद में अंधकार में जैसे कहते हैं कि प्रकाश की लौ कहीं से जगी हो वो जगी है। आज हर शिक्षा मित्र के चेहरे पे एक सुकून दिख रहा था, जैसा कि ममता जी को आप अभी सुने, योगे जी को सुने, सबको सुने, तो एक सुकून भरी जो क्या कहना चाहिए छवि आप देख ही गए हम लोग यहाँ। बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है बहुत जी। तो आप मयूरी सुन रहे की यहाँ तमाम शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी थे, शिक्षा मित्र थे, जिनका कहना है कि आज की बैठक से कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और वो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर पूरे इस मामले को लेकर अब अपनी अपेक्षाएं लगाए हैं कि हमें इस जो मामला हमारा है उस पर केंद्र सरकार अपना ध्यान केंद्रित करे। जी धन्यवाद विवांशु हमसे जुड़ने के लिए। यूपी में जाति जनगणना के सुर फिर से तेज होते दिखाई दे रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हाथों में तख्ती लिए सदन के अंदर से जाति जनगणना कराने की मांग करते दिखाई दिए। हाथों में तख्ती लिए अखिलेश तस्वीर सामने आई है। अखिलेश यादव एक बार फिर से जाति जनगणना को लेकर अपने सुर तेज कर रहे हैं। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कई ट्वीट किए हैं। सपा ने ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट करते हुए केशव को घेरा है। कर रहे थे फिर बाद में वो अपने उस बयान से पलटते हुए नजर आए। अब उनके बयान पर सपा भी हमलावर है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक शाही हमसे जुड़ेंगे। विवेक, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जाति जनगणना को लेकर सुर तेज कर दिए हैं। देखिए मयूरी, देश में जाति जनगणना का जो मुद्दा है वो तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसके पहले बिहार में यह मुद्दा काफी गर्म था और वहां के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो जाति जनगणना कराने के फैसले के पक्ष में थे। उस समय वो एनडीए में थे और एनडीए के कोटे से मुख्यमंत्री भी थे, जिसके बाद उन्होंने एनडीए छोड़ के फिर राजद से गठबंधन किया और जाति जनगणना का मामला जो है उत्तर प्रदेश में भी है बड़ी तेजी से मुद्दा बनते चला जा रहा है। सपा की सरकार लगातार जाति जनगणना के मुद्दे पे अपनी बात रख रही है और तमाम क्षेत्रीय पार्टी जो है वो जाति जनगणना को मुद्दे को आधार बनाकर आने वाले चुनाव की तरफ देखे जा सकते हैं। वही अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी जाति जनगणना के मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ की है और अखिलेश यादव प्रसन्न करते हुए कहा है कि पहले जो पद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के लिए आरक्षित कर रखा है, खुद माफी कीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो आरक्षित कर रखा है उसको छोड़ के किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को ये पद सौंपे, उसके बाद वो जाति जनगणना की बात करें। मैं आपको बता दूं कि आजादी के इतने सालों बाद भी इतिहास में कभी भी जाति जनगणना अभी तक नहीं हुई। हालांकि 2011 में जब यूपीए की सरकार थी, यूपी 2 की सरकार थी, तब जाति जनगणना कराई गई थी, लेकिन रिपोर्ट में कमियां बताते हुए उसका जो डेटा है उसको बाहर नहीं किया गया था। और अब तक जो जितनी भी जनगणनाएं होती है उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की डेटा जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। अब तक जो है अगर देखा जाए तो एक ही बार वो भी ब्रिटिश काल में 1931 में जाति जनगणना हुई थी, जिसके बाद 1947 में एक बार और जाति जनगणना हुई थी और 1951 में जाति जनगणना हुई थी, लेकिन किसी प्रकार तो विवेक जिस तरह अखिलेश यादव ने जाति जनगणना कराने की मांग की है तो इसको क्या माना जाए 2024 के चुनाव को देखते हुए सारी पटकथा लिखी जा रही है। देखिए ये मुद्दा सबसे पहले बिहार में चर्चा में आया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी ये अपनी अच्छी काफी पैठ बना चुका है। समाजवादी पार्टी लगातार जो है इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर है और जाति जनगणना की बात कर रही है। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अब पहले से ही इस परिस्थिति साफ कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है जाति जनगणना कराने के पक्ष में है, स्थिति में है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है कि केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जाति जनगणना के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। जाति जनगणना का मुद्दे समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को हथियार के रूप में देख रही है, क्योंकि इससे जो है वो तमाम जातियों की स्थिति जो है साफ होती है, चाहे वो आर्थिक रूप से कितने
सक्षम है, शैक्षिक रूप से कितने सक्षम है, तमाम प्रकार की स्थितियां साफ होती है और सरकार को जो है योजनाओं बनाने में भी काफी सहायता मिलती है इस जाति गणना के बाद से, कितनी भागीदारी समाज में किन जातियों की, इससे स्थिति का पता भी चलता है। तो समाजवादी पार्टी जो और उसके अलावा कई क्षेत्रीय पार्टी जो उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना की मांग को अब फिर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ी मांग के रूप में इसको देख रहे हैं। और आज सदन में भी अखिलेश यादव ने जाति जनगणना के मुद्दे की बात की और तख्ती देकर लगातार जो है जाति जनगणना की बात करते आ रहे हैं। और सदन में जो स्थिति पैदा हुई, जिस प्रकार से विपक्ष ने तमाम सरकार के खिलाफ नारे लगाए, उसमें कई प्रकार के मुद्दे थे, उसमें जाति जनगणना भी एक अहम मुद्दा था। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।